हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी की वजह से ही यूट्यूब सहेली फैमिली 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। और अगर आप सभी का इसी तरह सपोर्ट रहा तो हम आगे बहुत ही इनोवेटिव और बेहतर काम आप सभी के लिए कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि जब एक महिला को ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि महिला के शरीर से ओवरीज से एग रिलीज होता है, और वही टाइम होता है जब एक महिला गर्भधारण कर पाती है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी आने लगती है, बहुत जिज्ञासा आने लगती है कि अब कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ ठहरा है या नहीं। हालांकि सब चीज़ें समय के साथ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको नोटिस करके आप कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन होने के बाद 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे का वो वक्त होता है जब एग बिल्कुल तैयार रहता है गर्भधारण के लिए। अगर उस समय उसको स्पर्म मिल जाते हैं तो फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग 8 से 10 दिन का समय लेता है आरोपित होने में, इम्प्लांट होने में। 6 से लेकर 12 दिन का समय माना जाता है इस अवधि का। 3 से 4 दिन वो फेलोपियन ट्यूब में स्पेंड करता है, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ यूट्रस में आता है और वहां वो चिपकता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, लक्षण आना तभी स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब इम्प्लांटेशन होता है तब ही प्रेगनेंसी हार्मोन बनना चालू होता है। तो अधिकांश महिलाओं में, लगभग अगर हम कम से कम रेशियो मानते हैं तो 1/3 महिलाओं में इम्प्लांटेशन होते ही कुछ हल्के सिम्टम्स मालूम चलने लगते हैं, जैसे कि उनको हल्का फुल्का चक्कर आता है, उनको थकान बढ़ने लग जाती है, पेट में गैस बनना चालू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे होने लग जाता है उनको, उनके यूरिन का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, थोड़ा पीलापन लिए यूरिन का कलर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी आप सभी सहेलियों से कि 100% महिलाओं को ये सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबके शरीर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो कुछ महिलाओं को ये सिम्टम दिखते हैं, कुछ को नहीं। तो आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, समझें, जानें कि आपके साथ कैसे हो रहा है, और अगर ये लक्षण है तो आप काफी हद तक मान सकती हैं कि आपको गर्भ ठहर चुका है। धीरे धीरे ब्रेस्ट के अंदर भी भारीपन होना और खिंचाव होना चालू हो जाता है। तो अगर ये सारे सिम्टम आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ सकती हैं कि ओव्यूलेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हुआ। कई महिलाओं में इम्प्लांटेशन की हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, जो कि आपके पीरियड के डेट के आसपास हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ ये लक्षण दिखते हैं तो काफी हद तक आप मान सकती हैं कि आपको कंसीव हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है, गर्भ ठहर चुका है, क्योंकि ये पीएमएस का लक्षण नहीं होता। लेकिन इस समय जरूरत है आपको तनाव मुक्त रहने की, खुश रहने की, और एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करने की। इस समय आपको बहुत भारी काम नहीं करने चाहिए, कूदने, दौड़ने, जंप करने वाले, झटके लगने वाले काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ताकि ओव्यूलेशन के बाद जो आपका गर्भ ठहरा है वो सुनिश्चित रहे और आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़े। कई महिलाएं इस समय मिस्टेक्स करती हैं, गलतियां करती हैं, अलग तरह का फूड खा लेती हैं जो कि मिसकैरेज का रीजन होता है, तो उनकी प्रेगनेंसी पीरियड्स के दौरान ही रिमूव हो जाती है और उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है अगली प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपकी जरूर मदद करेगी। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, और साथ ही प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे YouTube मॉम चैनल पे भी फॉलो कर सकती हैं। आपके गर्भधारण की समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।